आखिरकार एरोप्लेन में फीमेल स्टाफ ही क्यों होती है? होटल के चादर हमेशा व्हाइट कलर के ही क्यों होते हैं? क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम की बहन का नाम क्या था? जी हाँ, अब आप सोच रहे हो कि भगवान श्री राम की बहन कहाँ से आ गई। तो यार आपको आज इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कुछ मिलने वाली है, तो यार एंड तक बने रहना। और यार पहली बार आए हो ना चैनल पे तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही कमाल की वीडियो मिलती रहती है। नंबर वन, आखिरकार एरोप्लेन में फीमेल स्टाफ ही क्यों होती है? दरअसल दोस्तों सबसे पहले आपको यह बता कि प्लेन एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए ईंधन का इस्तेमाल करता है। अब हवाई जहाज को ट्रेवल करने के लिए कितना ईंधन लगेगा वह सीधे तौर पे एरोप्लेन के वजन के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि जितना ज्यादा हवाई जहाज का वजन होगा उतना ही फ्यूल खाएगा, जिससे कि एयरलाइन कंपनियों का खर्चा बढ़ेगा। प्लेन में एयर होस्टेस के तौर पर लेडी स्टाफ को इसलिए रखा जाता है जिससे कि फ्यूल की बचत हो सके। हम सबको पता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वजन अक्सर 30 से 35 केजी कम होता है, इसलिए हवाई जहाज में फीमेल स्टाफ ही होती है ताकि ईंधन का कम इस्तेमाल हो और मुनाफे में बढ़ोतरी दिखे। और ऐसा करके एयरलाइंस कंपनियां हर साल लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए बचाती है। इंटरेस्टिंग ना, तो यार एक लाइक करो। नंबर टू, होटल के चादर हमेशा व्हाइट कलर के ही क्यों होते हैं? होटल के बेडरूम में सफेद चादर बिछाने की सबसे अहम वजह यह है कि सफेद रंग के संपर्क में आने से मन और दिमाग शांति महसूस करता है, जिससे तनाव में काफी कमी आती है, जिससे आप स्ट्रेस फ्री होकर अपने वेकेशन को एंजॉय कर सके। सबसे खास वजह होटल में सफेद रंग की चादर बिछाने की यह है कि उसमें लग्जरी लुक आता है। साल 1990 में एक रिसर्च के अनुसार पाया गया था कि सफेद रंग से लग्जरी लुक आता है, तब से ही होटल में सफेद चादर को ट्रेंड के तौर पे यूज कर रहे हैं। अक्सर लोगों का मानना होता है कि सफेद कपड़े धोना मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट्स के माने तो रंगीन कपड़ों की तुलना में सफेद कपड़े धोने में आसानी होती है। ये भी कमाल की थे ना, कमेंट करके बताओ। नंबर 3 एंड द लास्ट, क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम की बहन का नाम क्या था? शांता। जी हाँ गाइस, और यार इसके ऊपर और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए ना तो कमेंट करो। आने वाले वीडियोस में मिलेगी कि आपको भगवान श्री कृष्ण की बहन का क्या नाम था, श्री गणेश जी की बहन का नाम क्या था, रावण की बहन का नाम क्या था। सारे सवालों का जवाब आपको आने वाले वीडियोस में मिलेगी। यार सब्सक्राइब कीजिएगा।